और अब बात आपकी सेहत की। पोषण युक्त और सेहतमंद खाना एक स्वस्थ व्यक्ति की सेहत की नींव है। महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त आहार मिले और उनकी सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सितंबर माह देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और मीडिया के माध्यम से पोषण से संबंधित हर जरूरी जानकारी लोगों को दी जा रही है और पोषण अभियान जन भागीदारी का रूप ले रहा है। अगर भारत को कुपोषण से मुक्त करना है तो पोषण के लिए जन भागीदारी और जन अभियान जरूरी है। इसीलिए 2018 से हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह, जिसका उद्देश्य है छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण को दूर करने के लिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इस साल तीसरा पोषण माह मनाया जा रहा है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक भी यही नारा गूंज रहा है, हर जीवन हो पोषण से रोशन। मेरा नाम सपना कुमारी है, मैं सेक्टर 56 से हूँ। मेरा पहला बच्चा है। मैं तीन महीने के बाद मैं आंगनबाड़ी दीदी से मिली, वहाँ पे वो मुझे डिस्पेंसरी लेके गए। डिस्पेंसरी के बाद मेरा डिस्पेंसरी में मेरा कार्ड बना, वहाँ पे मेरा बीपी पेट चेक हुआ, वहाँ से मेरे को आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ चली। आयरन कैल्शियम की दवाइयों के बाद दीदी ने मुझे बताया कि कैसे पौष्टिक आहार भी लेना जरूरी है। पौष्टिक आहार में दाल, हरी सब्जी, दूध, दही लेती हूँ। इसके तहत सामुदायिक स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साप्ताहिक पोषण पंचायतों का आयोजन हो रहा है। कुपोषित बच्चों की पहचान कर पोषण देना और माताओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विमर्श हो रहा है। आंगनवाड़ियों में पोषण वाटिकाएं बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 706 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा 56,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला किसानों की क्षमता विकास के लिए भी बीज और पौधों का वितरण किया गया है और इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं गर्भवती महिलाओं की देखभाल के साथ साथ एनीमिया की जांच जैसी गतिविधियां भी बढ़ाई जा रही हैं। स्थानीय अनाज से पौष्टिक भोजन पकाने के तरीके बताए जा रहे हैं। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 6 साल तक के बच्चे और किशोरियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 18 मंत्रालय और विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति।